हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे HDFC बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में। अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 1480 का है। मोतीलाल ओसवाल ने HDFC बैंक का जो टारगेट दिया है वो 2000 का। शेयर के करंट प्राइस 1328 रुपये के लिहाज से इसमें 51% फीसदी रिटर्न मिल सकता है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि बैंक का जो अर्निंग है आउटलुक मजबूत है और वैल्यूएशन भी बेहद आकर्षक है। इसका जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 1480 रुपये का, इसने हाई किया था 1725 रुपये का और इसने लो किया था 1292 रुपये का। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 8,20,636 करोड़ का है। तो HDFC बैंक ये बहुत बड़ी बैंक है। इसकी जो बुक वैल्यू है 378 रुपये की है और ये 0.44% का डिविडेंड भी आपको देती है। अभी देखते हैं इसके जो प्रोज और कॉन्स देख सकते हो। तो 19% का जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो जो है वो 19% का नज़र आ रहा है। बाकी आप देख सकते हो HDFC बैंक के जो पीयर कंपैरिजन है ICICI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक, बंधन बैंक, IDBI बैंक के साथ की जाती है। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले 10,591 करोड़ का इसका जो रिटर्न है तो पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ता हुआ हमको नज़र आ रहा है। बाकी प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 36,000 करोड़ के आसपास है, तो ये भी हमको इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़रूर हम इस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंटिन्यूसली एक ही रेंज में है, न प्लस है न ज़्यादा माइनस में है। तो FIs की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़रूर माइनस होती हुई नज़र आ रही है। जो FIs का जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने धीरे धीरे करके कम किया था वॉर की वजह से, और DIs का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। जैसे हमने लास्ट टाइम के वीडियो में भी कहा था कि FIs अगर इन्वेस्टमेंट कम करता है तो DIs अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है, और जब FI एंट्री करता है तो DIs अपना माल हल्का करना शुरू कर देता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हमको एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है DIs की तरफ से। इसके बाद गवर्नमेंट का स्टेक है इस HDFC बैंक के अंदर, वो है 0.16% का, और पब्लिक में 13.60% का इन्वेस्टमेंट है। तो BSE में आप देख सकते हो करीबन 39% डिलीवरी आज के आज ली गई थी, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेट है। NSE में 59% की डिलीवरी ली गई थी। HDFC बैंक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बड़े बड़े ब्रोकरेज ने इसका जो टारगेट दिया है वो 2000 रुपये दिया है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इसने जो हाई किया था वो किया था 1725, 1700 का इसका हाई है। अगर ये हाई भी क्रॉस करता है तो हमें अच्छा खासा HDFC बैंक में रिटर्न मिल सकता है। तो आप क्या कीजिए, अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। HDFC बैंक में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अभी देखते हैं चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो 1330 रुपये का सपोर्ट लेके HDFC बैंक ने जर्नी स्टार्ट किया और अभी इसका जो प्राइस है वो 1480 नज़र आ रहा है। ये बहुत जल्दी आपको 1700 रुपये का टारगेट दिखा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इसके लिए टाइम भी लगेगा, 4 महीने से 6 महीने भी हो सकता है, लेकिन आप HDFC बैंक में सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा शेयर है। आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, वॉर हो जाए, कोरोना हो जाए, HDFC बैंक आपको जरूर रिटर्न देगा। मार्केट कैपिटल भी बहुत तगड़ा है इस बैंक का, और प्लस में ये डिविडेंड भी देता है। तो आप इसको बिल्कुल अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जहाँ तक हो सके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि अगर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी भी अगर इस्तेमाल करनी पड़ी तो आप कर सकते हो। पूरा पैसा अगर इकट्ठा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, और क्या पता अगर वॉर की सिचुएशन फिर से क्रिटिकल हो जाती है तो आपके पास कुछ अमाउंट होना चाहिए HDFC बैंक को एवरेज करने के लिए। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। जिन लोगों ने 1350-1360 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट किया होगा उन्हें अभी 100 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ रहेगा। अपनी रिसर्च जरूर ऐड कर लेना। HDFC बैंक बहुत अच्छा शेयर है। इसका जो ब्रोकरेज का जो टारगेट आ रहा है वो 2000 रुपये आ रहा है, लेकिन हम इसका जो टारगेट है वो सिर्फ 1700 रुपये के आसपास हम पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है ये बहुत जल्द 1500 रुपये, और उसके बाद दूसरा सपोर्ट जो है वो 1600 रुपये के आसपास हमको नज़र आ रहा है। तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। फर्स्ट टारगेट आपको 1500 रुपये मंडे को ही नज़र आ सकता है। अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो अपने दोस्तों के पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।